ब्यूटिफुलेंजल दिस इज मिस फ्रॉम मैजिक वेरो हिंदी उर्दू और ये है आपके लिए नई रीडिंग uh, आपका नवम्बर मंथ कैसा होने वाला है फ्रेंड्स फेगा कार रीडिंग येस काफ़ी सारे लोगों ने ये रीडिंग रिक्वेस्ट की थी आ गई आपकी रिक्वेस्ट पर फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो लाइक कर लो शेयर कर लो इंस्टाग्राम पर भी लाइक कर सकते हो फ्रेंड्स ऑल्सो घंटी दबाना ना भूलें ताकि आप कभी कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें ऑल्सो नवंबर uh, की हॉरोस्कोप्स रीडिंग हो गई है फ्रेंड्स सारे साइंस की आप देख लीजिएगा चैनल के ऊपर और 2022 की पिकअप कार्ड रीडिंग्स और 2022 की हॉरोस्कोप रीडिंग्स भी चल रही हैं मेन चैनल पर लिंक टाइम स्टैम्प्स में है और फ्रेंड्स ये एक जनरल रीडिंग है हो सकता है रेजोनेट करे हो सकता है ना करे जो कर रहा है उसे रख लो ऑल्सो ये फ्यूचर के लिए इन uh, नवंबर के लिए है सो so थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको कि क्या होगा वो आपको जब पता चल जाएगा ऑल्सो <laughs> Uh, आप कभी भी देख सकते हो फ्रेंड्स ऑल दो नवंबर के लिए है, बट स्टिल आप कभी भी देख सकते हो आपको हेल्प करेगी और आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करेगी ऑल्सो फ्रेंड्स uh, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हो विजिट आर वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट मैजिक वेंस टेरो डॉट कॉम और फ्रेंड्स अभी तो मैं करंटली बुकड ढूँ, लेकिन आप मुझे मैसेज कर लो आई विल बुक भी जैसे ही रीडिंग का कोई खाली होगा स्लॉट आई एल बुक योर रीडिंग Uh, फिलहाल काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं सो प्लीज़ गिव मी टाइम अगर आपने ऑलरेडी रीडिंग बुक कराई है तो आई एम वर्किंग ऑन योर रीडिंग्स येस फ्रेंड्स सो प्लीज़ गिव मी सम टाइम एंड कैसे हो आप लोग फ्रेंड्स हाउ आर यू ऑल डूइंग आई होप आप सब ठीक हो खुश हो स्वस्थ हो और घर रह रहे हो ज़्यादा घूम फिर नहीं रहे हो बिकॉज uh, अभी चीज़ें वैसे ही हैं जैसे थी यू नो सो स्टे होम स्टे सेफ एंड लेट्स बिगिन द रीडिंग सो आप लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ रिलैक्स Take a deep breath, relax, and choose option number one this beautiful dreams coming true card. Option number two this blossoming card. सो फ्रेंड्स रिलैक्स टेक अ डीप ब्रेथ चूज़ ऑप्शन नंबर वन ऑप्शन नंबर टू हमेशा की तरह टाइम्स टाइम्स जो हैं आप कमेंट सेक्शन से देख लीजिएगा आप चाहो तो आप एक से ज़्यादा भी चूज़ दोनों चूज़ कर सकते हो पूरी रीडिंग देख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेटर uh, सी अगर आपने ऑप्शन नंबर वन चूज़ किया है द ड्रीम्स कमिंग ट्रू कार्ड सो वाओ नोवर आपके लिए बहुत अच्छा मंथ रहने वाला है पहली चीज़ तो क्योंकि आपके जो ड्रीम्स हैं आप उनके ऊपर वर्क करने वाले हों और यूनिवर्स का आपको सपोर्ट भी मिलने वाला है इट इज़ नाइन ऑफ कार्ड सो कोई हैपीनेस ज़रूर आपको मिलेगी या uh, कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आपके लिए यू you नो know, एक विश फुलफ़िलमेंट है या यू you नो know, चीज़ें आपकी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगी यू नो लाइफ इज़ अ लाइनिंग बिग ऑल्सो ये एक साइन है ड्रीम्स कमिंग ट्रू और ये जो पूरा कॉस्मिक के कुछ कॉस्मिक ज़रूर होगा मतलब बड़ी चेंजेस बड़े यू नो बिग चेंजेस आपके लिए ज़रूर होंगे इन नवंबर या आपको ऐसा लगेगा कुछ बड़ा होने वाला है आपकी लाइफ में सो so, सी uh, ये आपके uh, uh, टेरो है, ये और ये और एडवाइस है और एक्स्ट्रा कार्ड्स भी देखेंगे फ्रेंड्स हम सी के uh, पहले देखते हैं करंटली क्या हो रहा है आपकी लाइफ में सो फ्रेंड्स लेट्स सी करेंटली आप क्या फील करो फिर देखेंगे नवंबर कैसा रहेगा और फाइल नंबर वन करंटली क्या चल रहा है उनकी लाइफ में वाओ ग्राउंडिंग गो डीप एक्सप्लोर योर रूट सो डेफिनेटली आप लोग कोशिश यू uh, नो you know, आप लोग काफ़ी आई थिंक uh, थोड़े एंटी सोशल मूड में हो राइट right नाउ Uh, काफ़ी कोशिश कर रहे हो आप अपने ड्रीम्स पे वर्क करने की अपनी लाइफ में अपने uh, गोल्स को अचीव करने की ऑल्सो आप लोग थोड़े से कटे हुए भी, भी महसूस कर रहे हो ऐसा लग रहा है यू नो यू आर अ लिटिल सेपरेटेड फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल क्योंकि आप सिंगल यहाँ पे लग रहे हो फ्रेंड्स लोनली फीलिंग लग रही है कि आप थोड़ा लोनली फील कर रहे हो और आप सारा फोकस अपना करियर अपने ड्रीम्स अपने गोल्स अपने एम्बिशन पर लगा रहे हो ऑल्सो uh, कुछ चीज़ों का आपको वेट लग रहा है राइट right नाउ ऐसा लग रहा है आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो अनकवरिंग ट्रेजर बिनीथ द सर्फेस यस आई डो फील आप लोग काफ़ी एक स्परिचुअल एनर्जी uh, में हो राइट नाउ फ्रेंड्स जहाँ पर यू नो आपको स्परिचुअल uh, कहो या कन्फ्यूजिंग कहो इन देंस यू नो कि आप कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो uh, ऐसा भी लग रहा है फ्रेंड्स आप लोग खुश नहीं हो यू नो यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि आप, आपको क्या चीज़ खुशी देती है यू you नो know? यू फील एज इफ लाइफ सबको सही है लेकिन कुछ मिसिंग है लाइफ से यू नो यू वॉन्ट समथिंग डीप समथिंग जैसे आप सिंगल हो तो आपको कुछ ऐसी रिलेशनशिप चाहिए जो डीप हो मीनिंगफुल हो या अगर आप अपने ड्रीम्स पर काम कर रहे हो सब सही है लेकिन यू वॉन्ट समथिंग मोर यू नो समथिंग मोर तो डेफिनेटली काफ़ी गहन अध्ययन चल रहा है <laughs> आपकी लाइफ में राइट नाउ बट दिस इज़ द करंट एनर्जी ऑल्सो आपको वेट है किसी चीज़ का फ्रेंड्स बिकॉज आप दोनों ही चीज़ों में किसी चीज़ को खोज रहे हो और उस खोज को आप ढूंढ रहे हो कि क्या कब मिलेगी ये चीज़ तो चलिए देखते हैं आपका नवंबर कैसा होगा ये तो आपका अभी करंट एनर्जी है लेट अस सी पहली चीज फ्रेंड्स आपका नवंबर बहुत बहुत बिजी होने वाला है टू ऑफ पेंटिकल्स आप बेहद बिजी रहोगे वर्क लाइफ करियर को मैनेज करते हुए और होम लाइफ को मैनेज करते हुए आप बहुत ही यू uh, नो you know, अच्छे यू विल बी वेरी बिजी ऑल्सो यू विल बी हैप्पी क्योंकि आप वर्क में बिजी हो इन नवंबर लेकिन एट द सेम टाइम आपको थोड़ा सा मैनेज करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है वर्क को करियर को और फैमिली को इस मंथ काफ़ी बिजी एनर्जीज लग रही हैं एंड येस आपको जिस चीज़ का वेट है uh, वो चीज़ आपको डेफिनेटली मिलने वाली है यू नो आई आई डू फील कि आप लोग किसी चीज़ का वेट कर रहे हो चाहे कोई अपॉर्चुनिटी हो uh, या Uh, कोई जॉब ऑफर है या कोई लवर का वेट कर रहे हो आप किसी चीज़ का आपको वेट है और वो वेट जो है आपका काफ़ी हद तक पूरा हो जाएगा इन द मंथ ऑफ नवंबर सो वंडरफुल एनर्जीज नाइट ऑफ वॉन्स एरीज लियो सेजिटेरियस पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कोई किप्रिकॉन वर्कआउट और पर्सन भी इंपॉर्टेंट रहेंगे आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स इस मंथ नवम्बर जो है आप लोग काफ़ी ज़्यादा आप हो सकता है खुद भी एरीज लियो सैज हो या सेजिटेरियस एनर्जी में हो आप या सेजिटेरियस आपका सनसाइन है अगर है तो ये आपका बर्थ मंथ भी है सो हैप्पी बर्थ डे स्कॉर्पियोज एंड सेजिटेरियस आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स इस मंथ जो है नवंबर में आप गो गेटर रहोगे आप अपने गोल्स के पीछे खुद जाओगे खुद उनको अचीव करोगे आपका एम्बिशन काफ़ी हाई रहेगा आपका ड्राइव जो है यू नो डिज़ायर टू अचीव और चेंज योर लाइफ वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा फ्रेंड्स सो so, Uh, इसका एक नेगेटिव भी हो सकता है कि आपको अगर uh, अगर आपको अपनी मन का करने का नहीं मिल रहा है तो यू मे फील अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड बट ऑन द पॉजिटिव साइड यस आप लोग काफ़ी एग्रेसिव रहोगे काफ़ी पैशनेट रहोगे अपने वर्क करियर को लेके अगर आप स्टूडेंट हो येस yes, uh, आप काफ़ी हार्ड वर्क करने वाले हो अपनी स्टडीज़ पे और सक्सेसफुल भी रहोगे उसमें एंड अभी जितनी मेहनत करो आप उससे ज़्यादा करोगे एंड आई डू फील हो सकता है आप लोग दो जॉब वगैरह करने लग जाओ इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड लेट अस सी एक और एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पे कि Uh, कोई अपॉर्चुनिटी आपको अचानक से मिलेगी इन द मंथ ऑफ नवंबर आई डोंट नो इफ़ यू आर रेडी फॉर इट और नॉट लेकिन ये अचानक से आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आएगी या कोई चेंज आने वाला है बिकॉज ड्रीम्स कमिंग ट्रू इट इज़ लाइक द यूनिवर्स इज कॉन्सपायरिंग आपके लिए कुछ होने वाला है इन द मंथ ऑफ नवम्बर और अचानक से होगा सो so, uh, आप इट इज़ अप टू यू आप उसको कैसे लेते हो यू नो इन देंस कि आप उस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करते हो या नहीं बिकॉज ये जब होगा जब आप काफ़ी बिजी चल रहे हो लाइफ में अचानक से कुछ हो रहा है यू नो सब जैसे आपको कोई जॉब कॉल आ गई इंटरव्यू कॉल आ गई या कोई एग्ज़ाम डेट अचानक ही आ गई एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड यू नो तो कुछ ऐसा हो सकता है तो थोड़ा सा आपको जल्दबाजी करनी पड़ सकती है सम एरियाज बट आई फील इट विल बी अ वेरी एक्साइटिंग मंथ फॉर यू आई फील आप काफ़ी बिजी रहने वाले हो पाइल नंबर वन स्कॉर्पियो एनर्जी ओ माई गॉड्स एजिटेरियन स्कॉर्पियो दोनों एनर्जीज आ गई हैं ये दोनों ही मंथ आप दोनों ही एनर्जीज़ का मंथ है नोवम्बर और राइट ट्रांसफॉर्मेशन चेंज सो इस मंथ कुछ बड़ा चेंज हो सकता है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए आई विल टेक अ क्लैरिफायर कि ये चेंज क्या है बट ऐसा हो सकता है अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो अपने जॉब से तो यू माइट लीव इट एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स ऑल्सो कोई और चेंज हो सकता है जैसे यू you नो know, आपके लाइफ में पैसे कमा रहे थे तो यू माइट स्टार्ट गेटिंग टू जॉब्स यू नो आप दो जॉब्स करके अर्न करना शुरू कर सकते हो आई ऑल्सो फील कि अगर कोई पास्ट आपको रोक रहा था पास्ट आपके चैलेंजस थे लाइफ में Uh, जो कि बहुत आपके लिए बर्डन बन गए थे उनसे आपको रिलीफ मिलेगा इस मंथ फ्रेंड्स यस कोई बैड हैबिट क्विट करने के लिए ये बहुत अच्छा मंथ रहेगा आपके लिए जैसे अगर आप स्मोक करते हो ड्रिंक करते हो या कोई भी बैड हैबिट है यू नो एक्सेसिव ज़्यादा देर रात तक जागना कम सोना कोई भी एक्सेसिव अगर आपकी बैड हैबिट है तो आप उसको जो है uh, आपको uh, आप बहुत पैशनेट रहोगे चेंज करने के लिए सो दिस इज़ द मंथ टू क्विट योर बैड हैबिट्स एंड स्टार्ट समथिंग न्यू ऑल्सो नोवर आपके लिए मंथ्स मंथ ऑफ चेंज रहेगा और यू नो आई डों कुछ लोग आप इस चेंज को अपने आप लेके आओगे अपनी लाइफ में और कुछ लोगों के लिए ये चेंज जो है इट विल हैपन बिकॉज इट हैड टू हैपन यू नो बिकॉज यू नो ड्रीम्स कमिंग टू सो कॉस्मिक बहुत ज़्यादा लग रहा है जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है इस मंथ वो एक कॉस्मिक एनर्जी से थ्रू होगा यू नो डिवाइन टाइमिंग के साथ हो रहा है सो दैट इज़ द थिंग दैट इज़ यू नो इम्पॉर्टेंट कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर लग सकती हैं आपको बट यू नो एवरीथिंग इज़ हैपनिंग ऑन अ डिवाइन प्लान ये आपको ध्यान में रखना है जस्टिस येस yes, आपको पास्ट हार्डवर्क का रिवॉर्ड मिलने वाला है फ्रेंड्स यू हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ चैलेंजेस आप लोगों ने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं जिंदगी के अंदर सो आई डू फील नोवर के अंदर आपको कुछ जस्टिस ज़रूर मिलेगा अगर आपके लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं यू कैन एक्सपेक्ट अ विक्ट्री फ्रेंड्स आपको वहाँ विक्ट्री जरूर मिलने वाली है अगर आ, आप लोगों का कोई ऐसा यू नो you know, जैसे आप लोगों को बार बार एग्ज़ाम में सक्सेस नहीं मिल रहा था या आप कुछ बार बार ट्राई करते थे यू आर नॉट गेटिंग द जॉब इस मंथ आपके चांसेस ज़्यादा हैं टू तो गेट सिलेक्टेड एंड टू तो गेट योर विशेज़ एंसर्ड क्योंकि जस्टिस आपके साथ है पास्ट लाइफ कर्मा जो है रिवॉर्ड्स ऑफ योर पास्ट हार्ड वर्क वो आपको मिलेंगे एक और चीज़ का आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स कि आप जो विशेस कर रहे हो इस मंथ वो थोड़ी आप केयरफुली करें बिकॉज सैटर्न इज़ विद यू तो इंस्टेंट आपको उसका वो मिल जाएगा यू you नो know, फल आपने हार्डवर्क किया इंस्टेंट आपको फल मिल गया आपने कुछ विश किया इंस्टेंटली हो जाएगा वो सो जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल वाइल विशिंग एनी क्योंकि अगर आप कुछ नेगेटिव विश कर रहे हो ऐसे ही गुस्से में या वैसे ही इट विल हैपन फ्रेंड्स सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल ऑल्सो आई फील के यू नो आप लोग काफ़ी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो फ्रेंड्स राइट यू नो इन द सेंस कि आप काफ़ी लंबे समय से काफ़ी सारे चैलेंजेस हो सकता है ऐसा भी लग रहा है पायल वन आप लोगों को हेल्थ इश्यूज रहे हैं तो उनमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा इस मंथ यू विल फाइंड सम रिलीफ़ और सम क्योर्स ऑल्सो फॉर योर या आप ऐसे एक्शनस लोगे कि आपकी हेल्थ जो है अच्छी हो सके और आपको वर्क में फ्रेंड्स ऐसा लग रहा है कि आपको पैसे नहीं मिल रहे यू नो लाइक आप वर्क कर रहे हो पर पैसा नहीं मिलता शांति नहीं मिल रही है देर इज़ लेस पीस ऑफ माइंड अराउंड यू राइट नाउ लेकिन नवंबर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जस्टिस टू हैपन एंड इट विल बी अ बिग जस्टिस फ्रेंड्स काफ़ी बड़े लेवल पर मुझे लग रहा है क्योंकि ये आपके लिए ऑलरेडी दो मेजर अरकानाज हैं डेथ है जस्टिस है सो समथिंग बिग विल हैपन फॉर यू फ्रेंड्स इस मंथ के अंदर एंड लेट्स सी के वाट इज़ दिस ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट माई गॉड लेट जस्ट पिकट अपट हुआ वो हैोराइजन सो या आई डो फील काफी सारे लोग आप लोग जो है घर शिफ्ट करोगे या जहाँ आप रह यू नो जॉब कर रहे हो वो शिफ्ट करोगे या आप लोग जो है सिटी कंट्रीज या जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो यू विल लीव योर कॉलेज एंड ज्वाइन अ जॉब और समथिंग लाइक दैट सो काफ़ी एक्सपेंशन uh, की एनर्जी है uh, नई जगहों की एनर्जीज़ है कुछ नया भी स्टार्ट कर सकते हो आप इन द मंथ ऑफ नवंबर। आई डू फील के जो भी कुछ आप स्टार्ट करोगे नया उसको लेके आप बहुत पैशनेट रहने वाले हो येस आई फील यू विल बी एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट इट सो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं और पास्ट में भी अगर आप आपको ऐसा लग रहा था पास्ट यूँ रोक रहा है फ्रेंड्स इट फील्स लाइक यू पास्ट ने आपको यूँ जकड़ रखा है यू नो बट नाउ यू विल बी एबल टू फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई इस मंथ में इन द मंथ ऑफ नवंबर लेटर सी जस्टिस किस चीज़ में मिलने वाला है आपको वॉट इज दिस जस्टिस अबाउट आई फील इट इज़ अबाउट मनी आप लोगों को पैसे का जस्टिस मिलने वाला है फ्रेंड्स लाइक सम ऑफ़ यू आर एक्चुअली डीलिंग विद द लॉट ऑफ मनी इशूज इनहेरिटेंसिस मनी इशूज़ तो उनमें आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा यू फ्राम अबो गैट द बिगर पिक्चर या एक्जैक्टली uh, exactly, uh, ये जो आप यहाँ पे जो खोज रहे हो ना फ्रेंड्स वो आपको ज़रूर मिल जाएगा जो करंटली आपके साथ हो रहा है जो कि आपको लगता है गलत है या आपको मिल नहीं रही है कोई चीज़ आपको यू you नो know, आप कुछ पाना चाहते हो बट इट्स नॉट हैपनिंग सो यू विल अचीव दैट यू नो जो आपको चाहिए वो आपको डेफिनेटली मिलेगा इन द मंथ ऑफ नोवम्बर या आपको कुछ रिविलेशन uh, हो सकते हैं बहुत बड़े रिविलेशनस कोई स्पिरिचुअल रिविलेशन हो सकते हैं या यू uh, नो you know, जैसे कुछ क्लियर हो जाएगा जो आपको कन्फ्यूज़ कर रहा है राइट नाउ क्वीन ऑफ स्वाड्स एक्वेरियस लीब्रा जेमेनाय पर्सन यस आई डू फील कोई एक्वेरियस लीब्रा जेमेनाय पर्सन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं uh, एक और चीज़ मुझे लग रही है कि नवंबर में आपको काफ़ी सारे यू uh, नो you know, अच्छे दोस्त मिलेंगे काफ़ी ऑनेस्ट और ट्रुथफुल लोग मिल सकते हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड आई फील के ये uh, लोग आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं मोर मोस्ट प्रॉबली के रेदर देन यू नो जहाँ आप यू नो या तो आपके आसपास ही रहते हैं या ऑनलाइन रहते हैं यू नो ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू आपको मिलेंगे ऑल्सो इस मंथ आप काफ़ी एजी रहोगे फ्रेंड्स काफ़ी बोल्ड फील करोगे यू नो सो आ, अगर आपको कुछ गलत होता दिख रहा है तो आपकी टॉलरेंस लेवल थोड़ा सा कम होगा आपको यू नो गुस्सा वुस्सा जल्दी आ जाएगा आपको सच बहुत पसंद है इस मंथ और आप उन लोगों के साथ रहना प्रेफर करोगे जो ऑनेस्ट हैं लॉयल हैं और हार्ड वर्किंग हैं सो अगर कोई ज़्यादा ही यू नो यू विल नॉट वॉन्ट टू एसोसिएट किसी ऐसे पर्सन के साथ जो यू you नो know, आपके साथ मैच नहीं हो रहे हैं लॉयल नहीं है या यू you नो know, बैक बाइट करते हैं आपको वो सब नहीं अच्छा लगेगा फ्रेंड्स सो यू आर वेरी पर्टिकुलर कि आपको कैसे फ्रेंड्स चाहिए इस मंथ और कैसे लोग चाहिए आपके आसपास सो दैट्स अ ग्रेट एनर्जी और आपको क्या चाहिए लाइफ में आप उसको लेके भी बिल्कुल क्लियर हो जाओगे अभी ऐसा लग रहा है थोड़े कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं आपकी लाइफ में यू नोट नो वॉट यू वॉन्ट राइट नो या आपको समझ कन्फ्यू लाइक कन्फ्यूजन इन द सेंस के दो तीन ऑप्शन में से क्या चूज करें हम तो ये कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे आप लोग कुछ लोग लाइफ पाथ को लेके भी कन्फ्यूज हो अपने लाइफ पर्पस को लेके सो डेफिनेटली वो भी क्लियर हो जाएगा आपको इन द मंथ ऑफ नवंबर के आपको करना क्या है नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने हैं अपनी लाइफ में टू मेक इट बेटर यू विल नो दैट एंड यू आर नॉट गोइंग टू टेक एनी नॉन सेंस anybody एनी बड़ी फ्रेंड्स आप लोग बहुत बोल्ड हो इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड अगेन पेज ऑफ वॉज येस एक्वेरियस लिब्रा जेमिना पर्सन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे आई ऑल्सो फील के आप लोगों के लिए कोई यू नो कोई वर्क से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं पर्सन जैसे आपकी बॉस हैं या आपकी अगर आप लव की बात करो तो मदर इन लॉ फादर इन लॉ या सिस्टर इन लॉज ऐसे लोग आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं Uh, एक और एनर्जी लग रही है लव में आई डू फील यू हैव चॉइस इन लव इन द मंथ ऑफ नवंबर सो यू विल हैव चॉइसेस आप uh, कोई मुझे लग रहा है आप लोग अगर आप लोग रिलेशनशिप्स में हो फ्रेंड्स तो टेक योर टाइम इन मेकिंग एनी डिसीजंस बिकॉज ऐसी एनर्जी है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो रिलेशनशिप में तो आप ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे एंड यू माई डिसाइड टू मूव आउट सो प्लीज़ टेक योर टाइम एंड मेक एनी डिसीजन विद पेशेंस आप जितना सब्र से या जितना सोच विचार के डिसीजन लोगे वो आपके फेवर में जाएंगे लेकिन अगर आप जल्दबाजी में लोगे तो दैट मे कम आउट एज अविक रिलीफ फॉर यू एक और चीज़ लग रही है लव लाइफ में फ्रेंड्स आई डू फील के कोई पास से पर्सन है जिनसे जो आपका दिल दुखा के गए हैं देर इज अ चांस कि वो पर्सन आपसे बात करना चाहेंगे इन द मंथ ऑफ नवंबर बट यू विल हैव अदर ऑप्शंस आल्सो सो ये आप पे है आप किसको चुनोगे नए को या पुराने को एक और एनर्जी लग रही है काफ़ी सारे लोग मुझे जिन्होंने पाइल वन चूज़ किया है आपको थर्ड थर्ड पार्टीज अफेक्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप में या तो फैमिली है रिलीजन कल्चर है या कोई और पर्सन आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रहा है राइट नॉम बट इट फील्स के नोवंबर में जो है आपको थर्ड पार्टी इन्फ्लुंसिस से काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा फ्रेंड्स बिकॉज ऐसा लग रहा है जस्टिस है सो so, अगर कोई आपकी लव लाइफ़ को अफेक्ट कर रहा है नेगेटिवली तो वो चीज़ें कम हो जाएंगी और आपका जो प्यार और मोहब्बत है वो बढ़ जाएगा ऑल्सो फ्रेंड्स ये मंथ जो है काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशनस रिलेटेड है आपके लिए जो आपको कम्युनिकेशन का वेट रहेगा आपको बात करने का या तो मन करेगा या बिल्कुल नहीं करेगा यू आर एक्चुअली इन अ वेरी एक्सट्रीम एनर्जी पायल नंबर वन यू नो आप बहुत फोकस्ड हो जैसे आपको हाँ मुझे अभी बात करनी है अभी नहीं करनी है यू आर लाइक कम्प्लीटली इन योर पावर इन योर एनर्जी एंड कम्युनिकेशन्स आप किस तरह से बात करते हो क्या कर रहे हो कोई कैसे बात कर रहा है आपसे ये सब चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी इन लव लाइफ यस अगर आप सिंगल हो आपको चॉइस तो मिलेंगी ही बट कोई एक्साइटिंग रिलेशनशिप आ रही है uh, आपको चॉइस ऐसी मिलेगी कि एक पार्टनर बहुत ही एक्साइटिंग और पैशनेट है और दूसरा पार्टनर जो है काफ़ी लॉयल और ऑनेस्ट है बट मुफट है सो यू विल फील लाइक आप क्या किसको करें कि इसको चूज करें सो यू विल हैव चॉइज़ फ्रेंड्स एब्सल्यूटली इन लव थ्री ऑफ कप्स येस आई डो फील हो सकता है आपका बर्थडे हो इस मंथ के अंदर सो हैप्पी बर्थडे यू विल बी सेलिब्रेटिंग दैट और मुझे लग रहा है कि यस yes, आपको यू uh, नो you know, अपने फ्रेंड्स वगैरह से गेट टुगेदर पे जाने का चांस मिलेगा उनसे मिलने का कोई डेट पे जाने का चांस मिल सकता है ऑल्सो आई फील के यू uh, नो you know, आप किसी यू नो मैरिज प्रपोज़ल के मिलने भी जा सकते हो आई डू गेट दैट के देर इज़ अ चांस यू मे मीट योर मैरिज प्रपोज़ल्स योर डेट्स एक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ पैसे वगैरह या कोई विक्ट्री भी आप सेलिब्रेट करोगे इस मंथ सो वंडरफुल एनर्जीज लेट्स सी व्हाट एल्स विल हैपन डीप नोइंग नंबर फोर्टी थ्रीज तो येस फ्रेंड्स आई डो फील ये मंथ आपको एक्जैक्टली exactly पता चल जाएगा आपको क्या करना है आपको क्या चाहिए और आपको फ्यूचर में क्या चीज़ यू नो आपको क्या सेटिसफेक्शन मिलता है क्या चीज़ करके ये चीज़ें जो हैं आपके लिए क्लियर हो जाएंगी यू नो इन द मंथ ऑफ नोवम्बर सो काफ़ी अच्छा मंथ है आप लोगों के लिए लेटे सी वॉटल्स ऑब्जरवर नंबर फोर्टी नाइन सो येस आई डोट फील के आप इस मंथ अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो तो अच्छा रहेगा यू नो बिकॉज वैसे तो आपका मन करेगा टू टेक एक्शन इन दिस मंथ फ्रेंड्स लेकिन इट विल बी अ गुड एनर्जी इट विल बी अ गुड थिंग अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो मेडिटेट करो और थोड़ा सा यू नो बिकॉज द आप बहुत फोकस्ड हो फ्रेंड्स तो एक डाउन साइड है इस एनर्जी का जो एक्सट्रीम फोकस है कि आप एक्सट्रीम काम करोगे यू नो यू विल बी वर्किंग टू हार्ड आपका लिए बहुत बिजी मंथ है आप बहुत पैशनेट रहोगे तो आप सोना भूल सकते हो या थोड़ी जल्दबाजी भी कर सकते हो इम्पल्सिव हो सकते हो सो ट्राई एंड मेडिटेट ऑल्सो ट्राई एंड ऑब्जर्व सी थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव ऑल्सो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ऑल्सो फ्रेंड्स आई डू फील के uh, आप लोग किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह में भी इन्वेस्ट करोगे और आप काफ़ी लंबे समय से सोच रहे थे कि कोई घर खरीद लिया जाए कोई प्रॉपर्टी ख़रीद ली जाए या यू you नो know, कहीं बाहर पढ़ाई के लिए इन्वेस्टमेंट कर दें एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए कुछ कर लें तो यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट एंड इस मंथ जो है आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको वो चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए लेसन नंबर टू आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव रहोगे फ़्रेंड्स इस मंथ एंड येस आपको बहुत सारे कॉस्मिक या यूनिवर्सल मैसेजेस मिलने वाले हैं आपको साइंस दिखेंगे ज़ीरो ज़ीरो जीरो टू 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 वन 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 एंड आपका इंट्यूशन स्पॉट ऑन रहेगा इस मंथ सो फ्रेंड्स प्लीज़ लिसन टू योर इंट्यूशन और अगर स्पेशली लव लाइफ में आपको लग रहा है कि यू you नो know, कोई पर्सन सही नहीं है तो प्लीज़ ट्रस्ट योर इंटूशन यू हैव एक्जैक्टली राइट सो यू नो ये मंथ आप काफ़ी इंटूटिव रहोगे सो कंग्रेचुलेशन स्ट्रेंथनिंग द बॉन्स एज ऑफ बॉन्स सो आई डो फील कि आपके रिलेशनशिप्स में एक नई तरह की ताजगी रहेगी आपकी लाइफ में भी एक एक्साइटमेंट रहेगा एंड इट कुड भी सम न्यू फ्रेंडशिप्स या कोई नया जॉब या कोई बिजनेस आइडिया ऑल्सो कुछ फास्ट चीज़ों से आपको रिलीफ मिलेगा तो यूल फील वेरी एक्साइटेड इन नोवम्बर फ्रेंड्स Uh, एक और चीज़ मुझे लग रही है कि कुछ लोगों के लिए रीयूनियन हो सकती है पास्ट लवर के या करंट लवर जिनसे लड़ाई झगड़ा चल रहा है लेकिन फ्रेंड्स री तो हो जाएगी आपकी और रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी है लेकिन थोड़ा सब्र रखना ज़रूरी होगा क्योंकि बहुत ट्रांस बहुत पावरफुल इंटेंस एनर्जीज़ हैं इस मंथ आपके लिए सो so, दिस इज़ अ गुड चांस टू मेक अ बेबी ऑल्सो यू नो टू बिकम अ मदर और अ फादर ऑल्सो सो यस यू नो फर्टिलिटी काफ़ी हाई रहेगी आप लोगों की पैशन बहुत हाई रहेंगे एंड आई डो फील कि आपके रिलेशनशिप्स में एक नया शुरुआत हो रहा है यू आर गेटिंग रेडी फ्रेंड्स एब्सोल्यूटली गेटिंग रेडी फॉर समथिंग बिग इन योर लव लाइफ लेटर्स ये आपके लिए एडवाइस किया है फिर एक्स्ट्रा कार्ड्स देखते हैं द गेट्स ऑफ ट्राइम सक्सेस एक्सपैंड इन योर लाइफ येस डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको एडवाइस है कि आपकी इस लाइफ में सक्सेस आ रहा है और आप बिल्कुल इस मंथ से शुरू आपके लिए जो शुरुआत हो रही है वो आपके लिए सक्सेस की है एंड आई फील दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म सक्सेस जो आपकी लाइफ में आएगा फ्राम नवम्बर आप जो भी इस मंथ करने वाले हो वो लॉन्ग टर्म आपको अफेक्ट करेगा ऑल्सो अगर आप अपने सक्सेस को लेकर चिंतित हो तो दिस इज़ ए कार टू अश्योर यू कि येस आपको आप सही रस्ते पर हो और आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा let's see what else embracing enthusiasm shout to the heavens with happiness so definitely up could you friends uh, coffee, uh, you know you feel you will feel excited and happy this month also friends uh, चेंज uh, को लेके आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा यू नो कि कुछ चेंजेस आपकी पसंद के होंगे कुछ नहीं होंगे लेकिन द मोर यू एक्सेप्ट चेंज और एम्ब्रेस द चेंज उतना आपके लिए यह मंथ अच्छा रहने वाला है सो डू नॉट वरी एंड आई फील कि कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करेगा इस मंथ के अंदर सो वेरी नाइस आर जंपिंग ऑल ओवर सो लेट्स योर काज डेस्क पे अटेंशन टू योर वर्क सो येस आपको डेफिनेटली काफ़ी हार्ड वर्क है इस मंथ ऑल्सो कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी लग रहे हैं आपके करियर में ग्रास ऑपर सिचुएशन्स इन द बैलेंस डैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग येस कुछ सिचुएशन में आपको थोड़ी सी प्लानिंग और केयरफुल होने की ज़रूरत रहेगी मैंने आपसे कहा इम्पल्सिवनेस यू नो थोड़ा सा आप एग्रेसिव हो सकते हो पर अगर आप सही हम रखोगे तो बहुत अच्छा मंथ रहेगा बोके कॉम्प्लीमेंट्स फ्राम एन एडमायर ये आई डो फील कि कोई आपको बुके वगैरह कोई गिफ्ट मिल सकता है इस मंथ कोई मैरिज uh, प्रपोजल भी आ सकता है सम ऑफ़ यू कुड गेट मैरिड ऑल्सो कोर्ट मैरिज़ के भी चांस लग रहे हैं लाइक सम ऑफ़ यू में एक्चुअली डिसाइड टू डू अ क्विक कोर्ट मैरिज आई डोंट नो वाई लेकिन ऐसा लग रहा है या कोई नई रिलेशनशिप टेक केयर एनमीज़ आर वर्किंग अगेंस्ट यू बैट येस आई डो फील कि आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है इस कार्ड से बिकॉज आपका इंट्यूशन आपको साथ देगा इस मंथ की यू विल भी वेरी इंट्यूटिव फ्रेंड्स टू लिसन टू योर इंटूशन Uh, in need of help, assistance and guidance. Yes, I do feel friends के हो सकता है इस मंथ आपको किसी की help करनी पड़े या आपको किसी की help लेनी पड़े. So uh, I do feel जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा. बस थोड़ा सा आपको you know you have to be a little polite. You know just that. Broken ring. पार्टिंग वेज इन ईदर रोमांस और बिजनेस यस आई डो फील आप लोगों को चेंज बहुत पसंद आएगा इस मंथ फ्रेंड्स यू विल नॉट सेटल फॉर एनी थिंग लेस अगर आप कहीं पर भी कहीं अभी एडजस्ट कर रहे हो तो इस मंथ मुझे लग रहा है यू विल बी लाइक आई एम डन एडजस्टिंग बस हो गया अब चलो सो यू लाइक चेंज गुड फॉर्चून यस पैसे आ रहे हैं आपके लिए एंड हार ग्रेट हैपीनेस सो जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो आपके लिए बहुत खुशी वाले होंगे बहुत हैप्पीनेस लेके आएंगे हॉर्स शॉर्ट जर्नी येस आई डू फील आप लोग किसी ट्रैवल के लिए जाओगे वेकेशन या शिफ्टिंग रिलोकेशन रेनोवेशंस भी लग रहा है कॉब वैब प्रोडक्ट प्रोटेक्टेड फ्राम नेगेटिव फोर्सेज बियड योर सो आप अगर आप डेफिनेटली प्रोटेक्टेड हो फ्रेंड्स जो भी आपको चेंजेस हैं या जो आप काफ़ी प्रोटेक्टेड हो हर चीज़ से सो डोंट वरी ऑल्सो मुझे लग रहा है आप लोग काफ़ी घर की सफाई करने वाले हो कॉब वैब्स की अनर्जी टू यू आर लाइक सब कुछ साफ़ कर देते हैं <laughs> गुड लक और श्यू वेरी नाइस फ्रेंड्स आपको गुड लक भी मिलने वाला है इस मंथ सो वेरी वेरी नाइस एनर्जीज एंड न्यू होम एंड न्यू एटीट्यूड सो यस फ्रेंड्स आप लोग काफ़ी सारे तो नया घर नई जगह खरीदने वाले हो सो ग्रेट कैरिज अ जर्नी इधर फिजिकल और मैंटल आई डू फील के येस yes, आप लोग कोई कार या व्हीकल वगैरह भी सेल कर सकते हो बाय कर सकते हो अगेन ट्रैवल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स ट्रैवल है रेनोवेशन है मूविंग शिफ्टिंग जनवरी सम बडी बॉर्न इन जनवरी इज इम्पॉर्टेंट या हो सकता है आप जो अभी कर रहे हो वो जनवरी में हो बिकॉज ये नवंबर की रीडिंग है सो इट में एक्चुअली हैपन इन जनवरी फॉर यू सो हैव सम पेशेंस या गुड आईडी गुड न्यूज़ सो यस गुड न्यूज़ आ रही है आपके लिए इस मंथ एंड क्लाउड्स टेम्प्ररी प्रॉब्लम्स तो आपकी प्रॉब्लम्स तो छोटी रहेंगी और खुशियाँ बड़ी रहेंगी और यही मेरी दुआ है आपके लिए ज़रूर मैजिक वेब स्टेरो हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब कर लो लाइक कर लो शेयर कर लो इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर लो पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आ वेबसाइट दिस इज मिस्टिक सी सिंग बाय सो so फ्रेंड्स अगर आपने ऑप्शन नंबर टू चूज़ किया है चलिए देखते हैं आपके लिए कैसा रहेगा द मंथ ऑफ नवंबर ब्लॉसम नंबर ट्वेंटी सो आई फील काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपके लिए मंथ एंड काफ़ी सारे आ, आप न्यू गोल्स न्यू आइडियाज़ पे वर्क करने वाले हो या जो भी आप अभी काम कर रहे हो उसको और ज़्यादा यू नो एक्सपैंड करोगे उसमें और ज़्यादा यू नो ग्रोथ होगी सो वेरी नाइस काफ़ी अच्छा मंथ लग रहा है काफ़ी प्रोडक्टिव मंथ लग रहा है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए चलिए देखते हैं ये आपके कार्ड्स हैं ये एडवाइस है और अभी देखते हैं करंटली क्या हो रहा है पहले आपकी लाइफ में फिर देखेंगे नवंबर तक हो गया सो अस सी व्हाट इज़ द करंट एनर्जी फॉर आर व्यूअर्स व्हाट इज करंटली हैपनिंग वाह विल इन करेज टेक एक्शन विद पैशन सो आप डेफिनेटली हार्ड वर्क कर रहे हो फ्रेंड्स अपने ड्रीम्स पे गोल्स के ऊपर और आप काफ़ी यू नो यू आर फीलिंग वेरी बोल्ड आई वुड से करेज ये आप काफ़ी मतलब एफर्ट्स लगा रहे हो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए या आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो कि यस yes, आपकी लाइफ जो है आगे जाके इम्प्रूव होगी सो डेफिनेटली यू आर टेकिंग सम एक्शन एंड आप अपने ड्रीम्स आप या तो विश लिस्ट बना रहे हो ड्रीम लिस्ट बना रहे हो और उन पर कोशिश कर रहे हो काम करने की सो इट इज़ अ गुड एनर्जी जिसमें आप हो राइट right नाउ अभी वॉट एल्स इज हिंग ट्रैवल लाइटली या आई डू फील आप थोड़ा सा बैगेज है आप थोड़े से अपने पास से परेशान हो और करंट तकलीफ़ों जो करंट मुश्किलें हैं उनसे भी आप थोड़े थक गए हो जो वर्ल्ड सिचुएशन है आई थिंक उनसे थक गए हो Uh, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सही रास्ते पे हो बट यू आर अ लिटिल टायर्ड बिकॉज यू आर टेकिंग थिंग्स अ लिटिल टू सीरियसली सो ये वक्त है आपको कि थोड़ा आप सिंप्लीफाई करो थोड़ा पास्ट को यू you नो know, uh, जाने दो वैंडरिंग पाथ इंजॉइंग द जर्नी या सम ऑफ यू फाइल नंबर टू आपको ऐसा भी लग रहा है कि आप यू you नो know, गलत रास्ते पे हो यू आर यू यू मे यू मे बी फीलिंग कि आप लॉस्ट हो बात मोस्ट ऑफ़ यू आर एक्चुअली वेरी श्योर कि आप सही रास्ते पे हो पर कुछ आप में से ऐसा लग रहा है जो कि आप सोच रहे हो कि आप गलत रास्ते पे आ गए या यू नो फीलिंग फीलिंग अ बिट लॉस्ट कि हम क्या करें आगे यू नो कैसे और बेहतर कर सकते हैं अपना बिजनेस अपना वर्क अपनी लाइफ क्या करें और यू नो यू आर फीलिंग अ लिटिल बोर्ड ऑल्सो प्रॉब्ली तो so, ये तो करंट एनर्जीज हुई चलिए देखते हैं आपका नवंबर कैसा रहने वाला है फ्रेंड्स काफ़ी एक्साइटिंग रहेगा नवंबर और फुल uh, मून जो है वो टॉरस में रहेगा अराउंड द नाइनटीन और जो न्यू मून है uh, वो स्कॉर्पियो में रहेगा अराउंड द फोर्थ एंड फिफ्थ सो वेरी इंटेंस मंथ लेट्स सी आपके लिए कैसा रहता है सो so, uh, यस फ्रेंड्स टू ऑफ वॉन्स पहली चीज़ तो आपका फोकस इस मंथ जो है बहुत ज़्यादा फ्यूचर पे रहेगा ऑल्सो आप बहुत मेच्योर फील करोगे फ्रेंड्स अगर आप अभी अनस्टेबल या इनसिक्योर या किसी भी तरीके से लॉस्ट फील कर रहे हो तो नवंबर में ये चीज़ तो चेंज हो जाएगी यू विल फ़ील मोर मेच्योर यू विल फ़ील मोर स्टेबल आपके लिए स्टेबिलिटी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी चाहे फाइनेंशियल हो चाहे इमोशनल हो सो so, आप लोग डेफिनेटली वर्क कर रहे हो टू अचीव फाइनेंशियल सिक्योरिटी इमोशनल सिक्योरिटी और आपको स्टेबल चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी यू नो चेंज आपको ज़्यादा पसंद नहीं आने वाला है इन द मंथ ऑफ नवम्बर सो अगर आपको चेंज कोई चीज़ करने को कहेगी तो यू विल नॉट लाइक इट फ्रेंड्स बिकॉज योर एनर्जी इज़ वेरी स्टेबल यू नो सिक्योरिटी स्टेबलिटी सब चीज़ें आपको बेहद अच्छी लगने वाली हैं ऑल्सो आपका जो आउटलुक uh, है वो काफ़ी मेचोर रहेगा इन द मंथ ऑफ नोवर इन देंस कि यू नो आप कोई भी बच ऐसे जैसे अगर आप अभी फील कर रहे हो लॉस्ड तो यू विल भी यू नो आप अपने आप को ही संभाल लोगे यू नो यू विल बी अवर ओन बेस्ट फ्रेंड इन द मंथ ऑफ नोवर लाइक आप कोई ऐसा काम नहीं करोगे जो एक्सट्रीम है या तो कोई तकलीफ देने वाला है या यू you नो know, जबरदस्ती कुछ कर रहे हो आप नहीं यू विल भी वेरी बैलेंसड फ्रेंड्स सिक्स ऑफ वन यस आप लोग काफ़ी आई डू फील आपको नवम्बर में प्रमोशन मिल सकते हैं सक्सेस मिलने वाला है आप जो भी काम कर रहे हो आप उसमें काफ़ी ज्यादा सक्सेसफुल हो गए और आपको uh, क्यों ऐसा होगा आपके लिए बिकॉज आप बहुत मेहनत कर रहे हो फ्रेंड्स एंड यू डिजर्व दिस सक्सेस विच इज़ कमिंग आई ऑल्सो फील के आप काफ़ी सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं आप लोगों को कोई एग्ज़ाम में आप लोग एफ़र्ट लगा रहे हो तो आपको उसमें अच्छा रिजल्ट मिल सकता है चांसेस पूरे रहेंगे बट आपको मेच्योरिटी से समझदारी से काम कर लेना पड़ेगा आप जितने समझदार या स्मार्ट रहोगे इस मंथ उतना आपके लिए अच्छा रहेगा स्पेशली एग्ज़ाम्स में ऑल्सो फ्रेंड्स uh, एक और एनर्जी है कि अगर आपका कोई प्रमोशन वगैरह ड्यू है या पे राइज ड्यू था पे में हाइक यू नो ड्यू था वो भी आपको इस मंथ मिल जाएगा एक और एनर्जी लग रही है फ्रेंड्स कि आप जो काम करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगा यू विल भी सक्सेसफुल अगर आपने कोई यूट्यूब चैनल या कोई इंटरप्रेन्योर काम शुरू करा है या कुछ नया शुरू करा है आप उसमें भी सक्सेसफुल रहोगे या सक्सेसफुल होना स्टार्ट हो जाओगे इन द मंथ ऑफ नोवर सो ग्रेट एनर्जीज ऑल्सो द स्टार सो आई डो फील फ्रेंड्स ये मंथ आपके लिए बहुत ही क्रिएटिव रहने वाला है आपकी क्रिएटिविटी सुपर हाई रहेगी आप अल्ट्रा क्रिएटिव रहोगे ऑल्सो एक और चीज़ मुझे लग रही है फ्रेंड्स के आप जो भी आपकी दिल की विशेज़ हैं आप उनको ईजिली फुलफ़िल कर पाओगे और जैसे वर्क में भी यू you नो know, आपको आपका कनेक्शन जो है अपने वर्क से इमोशनल अटैचमेंट काफ़ी रहेगा आप काफ़ी तरक्की भी कर पाओगे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिड भी फील करोगे आपको आइडियाज़ भी नए नए आएंगे सो यू विल फील वेरी यू नो लकी कि आपको ये बड़ा अच्छा मंथ है आपके लिए करियर और अपने स्टडी वाइज कि यू विल बी वेरी कनेक्टेड टू द डिवाइन स्पिरिट काफ़ी अच्छे आइडियाज़ आएंगे अपने आइडियाज़ को लिख लें ज़रूर नोट करें और उन पर काम ज़रूर करें ऑल्सो आपका सिंगिंग uh, और म्यूज़िक के साथ भी बड़ा अच्छा अटैचमेंट रहेगा इन द सेंस कि आप काफ़ी यू नो हो सकता है अगर आप म्यूज़िक वगैरह सीखना स्टार्ट कर दो म्यूजिक है सिंगिंग है आर्ट uh, है पेंटिंग है ऑल्सो आई डू फील कि अगर आप ऑलरेडी इन सब फील्ड्स में काम कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली और ज़्यादा फेम मिलेगी या तरक्की मिलेगी सक्सेस मिलेगा यू आर वेरी कनेक्टेड फ्रेंड्स वेरी वेरी क्रिएटिव इन द मंथ ऑफ नवंबर ऑल्सो ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि आपने जिस पास्ट में जिन चीज़ों पे आप मेहनत कर रहे थे आपको सक्सेस नहीं मिल रहा था वो इस मंथ मिलेगा बिकॉज uh, ये जो स्टार है ये आपकी विशेस को पूरी करने वाला है सो so, जो चीज़ों से आप जो चीज़ें आपकी पहले यू you नो know, uh, आपको नहीं मिल पाई है वो अब मिल जाएंगी <coughs> ऑल्सो मुझे लग रहा है फ्रेंड्स काफ़ी सारे आप लोग जो अपने हेयर कलर वगैरह को लेके भी यू you नो know, आप हेयर कट चेंज करोगे या लुक चेंज करोगे अपना और जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा यू विल रियली लाइक इट एंड हो सकता है अपना अपना आप लोग वेट लॉस है या यू नो हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ बढ़ रहे हो के फैट्स कम खाएँ शुगर कम खाएँ यू नो हेल्दी कुछ खाएँ फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं सो यू आर मूविंग टूवर्ड्स हेल्थ इन द मंथ ऑफ नवम्बर टेन ऑफ काप्स एस आई डो फील आप लोग बहुत ज़्यादा फैमिली से कनेक्टेड रहोगे फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रेंड्स अगर आप सिंगल हो तो आपका बड़ा मन करेगा टू गेट मैरिड और टू सेटल डाउन या आपको हो सकता है थोड़ा फैमिली से प्रेशर भी आए टू गेट मैरिड यू नो फ्रेंड्स से फैमिली से सो यू माइट फेस अ लिटल यू नो दे माइट आस्क कि आप शादी कर लो सो so ऐसा हो सकता है फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूर फ्रेंड्स और अगर आप ऑलरेडी मेरिड हो यू कैन एक्सपेक्ट कि काफ़ी हैप्पी रहेगा नवम्बर आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को ज़्यादा मिलेगा और आपके जो पेरेंट्स हैं इन लॉज़ हैं उनसे मिलने का भी टाइम मिलेगा सो यू विल हैव अ लॉट ऑफ फैमिली गैदरिंग्स दिस मंथ ओ द किंग ऑफ पेंटिकल्स को एक वर्गो टॉरस पर्सन इम्पॉर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड्स आपके लिए नवंबर में ऑल्सो uh, फ्रेंड्स आप लोगों को पैसा काफ़ी मिलने वाला है फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिलेगी सो यू आर एक्सट्रीमली लकी एट योर वर्क आप काफ़ी लकी हो अपने काम पे एंड आई ऑल्सो फील कि आपके आपको जो आपके बॉस वग़ैरह हैं उनसे काफ़ी फेवर मिलेगा सपोर्ट मिलेगा इस मंथ सो यू आर वेरी लकी अगर आप किसी इंटरव्यू पे भी जाते हो देन ऑल्सो यू विल भी लकी आपको काफ़ी फेवरेबल रिस्पॉन्स मिल सकता है ऑल्सो आई फील फ्रेंड्स अचीव आप अपने करियर और सिक्योरिटी को लेके आप बहुत ज़्यादा यू नो कॉन्शियस रहोगे बहुत ज़्यादा वर्क करोगे अपनी करियर uh, के ऊपर अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के ऊपर सो so आप थोड़े से मनी माइंडेड हो सकते हो इस मंथ फ्रेंड्स यू मे लाइक इन्वेस्ट योर मनी यू मे वॉन्ट टू कहीं ना कहीं आप मनी को लेके यू नो आपके पास पैसा आ रहा है लेकिन यू आर लाइक नहीं और ख़र्चा नहीं करना है यू you नो know, थोड़ा सा स्पेंड बहुत कर लिया थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं या यू you नो know, थोड़ा बचा लेते हैं so, सो आपको सेव करने का मन यूज बिकॉज यू आर वेरी मेच्योर दिस मन फ्रेंड्स आप एक मेच्योर एनर्जी में हो आप इस एनर्जी में नहीं हो जहाँ आपका मन कर रहा है कि चलो उड़ा देते हैं सब कुछ नहीं यू वॉन्ट टू स्पेंड एंड सेव तो आप उस एनर्जी में रहोगे दु किंग ऑफ काब्स कोई कैंसर स्कॉर्पियो पाई सीज पर्सन भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए फ्रेंड्स आई डोट फील के इवन इन लव यो आर अट्रैक्टिंग मेच्योर पीपल मेच्योर कनेक्शंस मेच्योर रिलेशनशिप्स ऑल्सो मुझे लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉजिकल और इगोइस्टिक हो रहे थे या मनी माइंडेड हो रहे थे इन द पास्ट और यू नो सेल्फिश हो रहे थे इन द पास्ट तो अब आपके पार्टनर में एक चेंज आएगा इन द मंथ ऑफ नवम्बर कि वो ज़्यादा जो हैं प्यारे ज़्यादा यू नो इमोशनल रोमांटिक और लविंग नजर आएंगे एंड यू विल बी लाइक अच्छा ये कैसे हो गया सो दैट एनर्जी इज़ देयर यू विल नोटिस अ चेंज इन योर पार्टनर एक और एनर्जी लग रही है फ्रेंड्स अगर आप लोग सिंगल हैं तो यू विल अट्रैक्ट टू पीपल इन योर लाइफ येस दो प्रपोजल्स दो मैरिज प्रपोजल्स दो डेट या दो लोग आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं अगर आप सिंगल हो बट यू नो ये दोनों ही लोग ऐसा लग रहा है कि आपके काम से हैं या आप जहाँ पढ़ने जाते हो या आप जहाँ रहते हो वहाँ से आ रहे हैं सो इट कुड ऑल्सो बी अ मैरिज प्रपोजल बट ऐसा लग रहा है कि यू you नो know, दोनों बहुत ही अलग तरह के पर्सन हैं जो अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपनी लाइफ में यू you नो know, एक लॉजिकल है और एक इमोशनल है एक रोमांटिक है एक सेल्फिश है सो यू नो यू विल हैव टू रियली वर्क हार्ड एंड चूज़ विच इज़ द बेस्ट वन फॉर यू फ्रेंड्स तो चॉइसेस मिलेंगी आपको लव में येस ऑफ कोर्स चांस ऑफ रोमांस वर्क और करियर से भी आ रहा है और आपके नेबरहुड से भी आ रहा है सो येस दैट्स ऑल्सो देयर टेम्प्रेंड्स यस yes. आपकी रिलेशन आपकी लव लाइफ में फ्रेंड्स मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपको बैलेंस करना पड़ेगा इस मंथ बिकॉज uh, ऐसा हो सकता है कि आपकी नीड्स यू नो आपको क्या करना है वो अलग है आपके पार्टनर क्या चाहते हैं वो अलग हो सकता है थोड़ा सा सो यू मे हैव टू वर्क अ लिटिल इन बैलेंसिंग या जैसे आप कुछ चाहते हो बट आपकी फैमिली कुछ और चाह रही है सो यू विल हैव टू एडजस्ट अ लिटिल और यू नो वर्क ऑन बैलेंसिंग योर रिलेशनशिप्स अ लिटिल बट आप आराम से कर लोगे फ्रेंड्स बिकॉज आप काफ़ी मेच्योर और एक ऐसी अच्छी एनर्जी में हो जहाँ आप लोगों को समझ पाओगे और आराम से उन्हें कन्वेंस कर पाओगे सो यू आर अ वेरी गुड लॉयर इन द मंथ ऑफ नोवर फ्रेंड्स आप उस एनर्जी में हो यू you नो know, जहाँ आप कन्वेंस अच्छा कर लोगों लोगों को बट यस yes, थोड़ा सा वर्क लाइफ uh, आपकी काफ़ी अच्छी लग रही है स्टडीज़ अच्छी लग रही है तो कहाँ प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नवंबर में आपको आएगी रिलेशनशिप्स में बैलेंस करने में अब जैसे आपके दिल और दिमाग को बैलेंस करने में जैसे दिल कहेगा थोड़ा सा और मस्ती कर लेते हैं दिमाग कहेगा नहीं नहीं थोड़ा सो लेते हैं या पढ़ लेते हैं या काम कर लेते हैं सो यू विल हैव टू बैलेंस दैट आउट दैटॉप्टदर थिंग इज़ यू विल हैव टू बैलेंस योर रिलेशनशिप्स ऑल्सो फ्रेंड्स आप इजीली कर लोगे लेकिन थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ेगा फाइव ऑफ वन यस आई डो फील कॉम्पिटिशन इज वेरी हाई स्पेशली इफ़ यू आर अ स्टूडेंट नोवर में कॉम्पिटिशन हाई रहेगा तो आपको थोड़ी पढ़ाई में अच्छी यू you नो know, मैंने बोला ही आप अगर मेच्योरली एफर्ट लगा रहे हो हार्डवर्क कर रहे हो तो आपको सक्सेस मिलेगा लेकिन कॉम्पिटिशन रहेगा आपकी लव लाइफ में भी लग रहा है फ्रेंड्स कॉम्पिटिशन है कि दो लोग आपको चाहते हैं और आपको दोनों पसंद हैं या उनमें से एक भी नहीं सो हाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन एक और चीज़ मुझे लग रही है फ्रेंड्स uh, आपका हो सकता है थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो जाए फैमिली के साथ या फ्रेंड्स या लवर्स के साथ बिकॉज़ यू नो ऐसा है कि नवंबर इस के थोड़े से यू you नो know, आप इमोशनल हो लोग थोड़े से यू नो पैशनेट हैं या एग्रेसिव हो रहे हैं आप सबके लिए सोच रहे हो वो नहीं सोच रहे हैं या वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं आपको क्या अच्छा लगता है सो अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में हैपन फ्रेंड्स इन द मंथ ऑफ नवंबर और नवंबर में काफ़ी ज़्यादा ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल यू नो अलाइनमेंट्स बनेंगे जो कि पैशन इमोशंस को हाईलाइट करते हैं फ्रेंड्स तो आपके लिए नवंबर और भी इम्पॉर्टेंट मंथ हो जाएगा क्योंकि न्यू मून है स्कॉर्पियो uh, में और स्ट्रांग रहेगा आपके लिए काफ़ी स्ट्रांग रहेगा फिर टॉरस के अंदर वापस फुल मून आएगा एक्लिप्स के साथ सो so, काफ़ी ऐसे अपोजिशन भी है सन और मून का सो so, काफ़ी ऐसे यू नो अपोजिशन वाले प्लैनेट्स रहेंगे और एस्पेक्ट्स रहेंगे नवंबर में बट आप बहुत मेच्योर एनर्जी में हो आप जितने मेच्योर और ठंडे रहोगे जितना काम भी आप सोचोगे आराम से आपके काम होते जाएंगे यू विल नॉट बी अफेक्टेड बट आपको पर्सनली नहीं लेना है ऑल्सो आपको पास्ट से ज़्यादा अटैच नहीं होना है अगर आप पास्ट की बातें वापस इस फ्यूचर या प्रेजेंट में लाओगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी आपकी लव लाइफ या सिचुएशन सो so, uh, आपको वो था भी सही कार्ड ट्रैवल लाइटली सिंपलीफाई योर लाइफ ट्रैवल लाइटली सो जितना आप रिलैक्स रहोगे उतना अच्छा रहेगा टेन ऑफ पेंटिकल्स ओ माई गॉड सो आई डू फील फ्रेंड्स इस मंथ आपको जो है फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा टाइम बीतेगा आपका आई आई डू फील कि अगर आप अपनी फैमिली से नहीं मिल पा रहे हो ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह से तो आप डेफिनेटली मिस करोगे उन्हें यू नो कि यू वॉन्ट मीट दैम एंड स्पेंड टाइम विद दैम ऑल्सो कोई वेडिंग वगैरह भी हो सकती है फैमिली में या कोई एनिवर्सरी सबके साथ यू नो यू आर सेलिब्रेटिंग अगेन आई ऑल्सो फील इन द मंथ ऑफ नवम्बर इन्हेरीटेंसेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी शेयर्ड पैसा जो फैमिली का पैसा है इन्हेरीटेंसेज हैं प्रॉपर्टी हैं एंसेस्ट्रल uh, होम है आपके आपको एंसेस्ट्रल सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा रहेगा यू you नो know? अपने एंसेस्टर्स से सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगा सो दैट इज़ अ गुड एनर्जी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए चलिए देखते हैं और क्या होगा आपके लिए ब्रीथ सो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये टाइम यू नो थोड़ा आप रिलैक्स ज़रूर करें इसमें नंबर ट्वेंटी नाइन इंपॉर्टेंट है आई डो फील फ्रेंड्स के आप लोग काफ़ी बिजी लग रहे हो वर्क में भी घर पर भी काफ़ी चीजें हो रही हैं यू आर ऑल्सो हैंडलिंग एवरीथिंग वेरी वेल इन नोवेम्बर बट अगर आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल पाओ तो वो बहुत अच्छा रहेगा टू मेडिटेट टू लर्न समथिंग न्यू आप बहुत अच्छे यू you नो know, पैसे भी मुझे लग रहा है आपके आ जाएंगे अगर आप कोई नई चीज़ भी स्टार्ट करोगे तो वो जल्दी से सेल आउट भी हो जाएगी जैसे आपने कोई पोएट्री लिखी एंड यू रियलाइज के लोगों को बहुत पसंद आ रही है यू आर गेटिंग लाइक सम मनी फॉर इट ऑल्सो या कोई आर्ट बनाई वो भी जल्दी से सेल आउट हो जाएगा मैसेज इन अ बॉटल नंबर फिफ्टीन सो आई डू फील इम्पॉर्टेंट मैसेज आ रहे हैं आपके लिए जिसका आपको वेट है ऑल्सो मैसेजेस ऑफ लव आ रहे हैं मैसेजेस ऑफ सक्सेस आ रहे हैं प्रमोशन है मनी आ रही है या कोई इम्पॉर्टेंट आपको एग्ज़ाम का नोटिस या रिजल्ट वगैरह है सो इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आ रहे, है. chakra, creativity रहे हैं सैकड़ल चक्रा क्रिएटिविटी बहुत हाई रहेगी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा एंड आई फील कि आपको उसका पूरा यूटिलाइजेशन करना चाहिए आपकी क्रिएटिविटी का एंड uh, जितना स्ट्रेस है आपकी लाइफ में फ्रेंड्स आप उसको अवॉइड कर सकते हो इस मंथ बाय फोकसिंग ऑन बीइंग क्रिएटिव एक और चीज़ मुझे लग रही है फ्रेंड्स आपके नवंबर में कि आपकी रिलेशनशिप्स में पैशन काफ़ी रहेगा यू नो फिज़िकल पैशन लव रोमांस फॉलिंग इन लव बहुत प्यारी एनर्जीज़ हैं तो यू you नो know, आपको अच्छे लगेंगे वो रिश्ते जो कि बैलेंस्ड हैं या यू नो आपको समझ पा रहे हैं ईजिली बिना कहे यू you नो know, बिन कहे जो आपको समझ लेगा वो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा सो या नर्चर ओ माय गॉड दी एम्प्रेस आप बहुत स्ट्रॉन्ग एम्प्रेस की और एम्पर की एनर्जी में हो जहां आप अपने गोल्स पे ड्रीम्स के लिए बहुत वर्क कर रहे हो बहुत मेहनत कर रहे हो एंड यू फील वेरी हैप्पी डूइंग दैट तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं नवंबर में आपके लिए ऑल्सो मदर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए uh, कुछ लोगों के आप लोग यू you नो know, खुद भी कोई पेट वगैरह लोगे तो यू विल फील लाइक अ पेरेंट कि आप उनके पेरेंट्स बन गए हो कोई पेट है या uh, कोई प्लांट्स अडोप्ट कर लिया आपने कि अरे अब हम पेड़ लगाएंगे अब हम कोई यू नो डॉग या कोई कैट आपकी खुद की लाइफ में आ सकते हैं या कोई रैबिट कुछ भी कोई भी एनिमल uh, हो सकता है ऑल्सो आप बहुत फर्टाइल uh, एनर्जी में हो फ्रेंड्स यू नो मदरली एनर्जी में यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट पीपल यूट टेक केयर ऑफ पीपल तो अच्छा रहेगा यू नो काफ़ी सारे लोग आपको ऐसे मिल सकते हैं इस मंथ जो आपसे हेल्प लेना चाह रहे हैं या आपको आप से यू you नो know, थोड़ा सपोर्ट चाहते हैं सो यू विल बी हैप्पी टू डू दैट बिकॉज आप बहुत मदरली एनर्जी में हो इवन अगर आप लड़के हो तो भी तो चलिए देखते हैं एडवाइस क्या है नवंबर के लिए और नवंबर की आ, पहले आप एक कार्ड रीडिंग भी देख सकते हो फ्रेंड्स चाम्स के साथ वो मैंने पहले ही कर दी थी दूसरी चैनल मैजिक वेल्स टेरो पे वो भी देख सकते हो ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स यू कैन ओवरकम एनीथिंग सो फ्रेंड्स ओ वाओ दिस इज़ ब्यूटीफुल इस मंथ आप कुछ भी ओवरकम कर सकते हो आपको जो चाहिए आप अचीव कर सकते हो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके लिए नामुमकिन है सो वेरी वेल डन फ्रेंड्स आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि कोई भी चीज़ आपके यू नो ड्रीम लिस्ट से बाहर है या आपके आप अचीव नहीं कर सकते आप हर कुछ अचीव कर पाओगे यू जस्ट नीड टू आप सोच लो ठान लो और हो जाएगा लेट सी वॉट एल्स बिगिन नाउ टेक योर फर्स्ट स्टेप सो डेफिनेटली अगर आपने कुछ नया स्टार्ट करना है तो ये मंथ अच्छा रहेगा ऑल्सो आप जिन चीजों पर ऑलरेडी वर्क कर रहे हो आपको उनमें भी सक्सेस मिलेगा सो इट इज टाइम टू टेक एक्शन इन दिस मंथ इट इज टाइम टू स्टार्ट Something new, so let us see what else. Option number two how their November will be. Okay, sare cards are there. let's take it. चेन चेन ऑफ़ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ सो या आई डू फील के यू नो कोई चेन ऑफ़ इवेंट्स आई ऑल्सो हो सकता है आपको कोई पास्ट की चीज़ काफ़ी आप अटैच्ड हो उससे सो इट इज़ टाइम फ्रेंड्स कि आप थोड़ा पास्ट को लेट गो करो और यू you नो know, जो नई एनर्जीज़ है उनको एक्सेप्ट करो क्योंकि ट्रैवल लाइटली आया था आपके लिए बर्ड फ्लाइंग न्यूज़ इज़ न्यूज़ इज़ ऑन इट्स वे सो येस कुछ न्यूज़ आने वाली है वो यू आर हाईली थाट ऑफ सो आपका काफ़ी रिस्पेक्ट करेंगे लोग जैसे मैंने बताया आपको कि आप बहुत एक मदरली एनर्जी में हो सपोर्टिव एनर्जी में हो केयरिंग uh, एनर्जी में हो तो लोग काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहे हैं आपका इस मंथ हैट यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल येस आपका करियर में रोल चेंज हो सकता है प्रमोशंस आ सकते हैं कोई नया जॉब आ सकता है या आप पढ़ाना टीचर के रोल में जा सकते हो काफ़ी सारे लोग आप मेरे को लग रहा है पढ़ाई यू विल बिकम टीचर्स या यू विल स्टार्ट टीचिंग बिकॉज आपका मन है भैया डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स या आई डू फील के मनी तो आपको काफ़ी मिलेगी लेकिन इट इज़ बेस्ट टू यूटिलाइज इट इन अ बेस्ट सेफ वे हेस्टैग रन अवे कर्मा यू विल रीप वॉट यू हैव सोन सो आपको काफ़ी वाव आपको काफ़ी कर्मा पॉजिटिव है आपका फ्रेंड्स इस मंथ आपको काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी ऑल्सो अगर किसी ने हर्ट करा है आपको पास्ट में तो आपको उससे भी रिलीफ uh, मिल जाएगा कॉइंस मनी इज कमिंग योर वे कप यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिजम ओके सो आई डो फील के आपको बुरा नहीं लगेगा जैसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है आपकी लव लाइफ या यू नो रिलेशनशिप्स में तो यू विल नॉट माइंडेड यू विल बी लाइक ठीक है एवरी वन हैज देर ओन ओपिनियन नोवम्बर ओफ माई गॉड नवम्बर का कार्ड है और नवम्बर ही है तो काफ़ी नोवंबर बॉर्न कोई पर्सन हो सकते हैं या नवम्बर डेफिनेटली आपके लिए इम्पोर्टेंट है डॉग्स वॉकिंग एन एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड सो यस एडवाइस जरूर आ रही है आपको एक फ्रेंड से या yeah, आपको खुद किसी फ्रेंड को एडवाइस करना पड़ेगा कोई अनाउंसमेंट होगा आपके लिए क्राउन ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू येस आपको ऑनर और रिस्पेक्ट मिलने वाला है आई साइकिक एबिलिटी दैट ट्रस्ट यूर इंट्यूशन आप काफी ज्यादा साइकिक रहोगे इंट्यूटिव रहोगे फ्रेंड्स तो इट इज़ गुड टू ट्रस्ट यूर इंट्यूशन ऑल्सो आपको एस्ट्रोलॉजी योगा इन सब चीज़ों में भी इंटरेस्ट रहेगा जनवरी इम्पोर्टेंट है बीटल गुड फॉर्चून यस आपके लिए आप काफ़ी फॉर्चुनेट हो इस मंथ क्योंकि स्टार भी है ऑगस्ट समबडी बॉर्न इन ऑगस्ट नवम्बर जनवरी डॉग्स गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स यस फैमिली के साथ काफ़ी टाइम जाएगा फ्रेंड्स हैं फैमिली हैं यू विल गेट टुगेदर काफ़ी लग रही है बैग समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज़ अ न्यू जॉब और और अ रेज इज़ कमिंग सो वाह फ्रेंड्स प्रमोशन की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा हैं प्रमोशन है या कुछ न्यू जरूर होगा एक्साइटिंग न्यू चीज ब्रिज सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम एंड कैंडल यू विल बी शोन द वे आई डू फील फ्रेंड्स आप लोग काफ़ी सारे लोगों को रास्ता दिखाने वाले हो यू विल बी अ गाइड यू विल बी अ लॉट ऑफ सपोर्ट टू अदर पीपुल्रेंड्स बहुत अच्छी एनर्जीज हैं एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर यू एंड हैप्पी हैप्पी नवंबर और मैजिक वेंस टेरो हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब कर लो लाइक कर लो शेयर कर लो इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर लो पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आर वेबसाइट दिस इज मिस्टिक सी सिंग बाय